अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक सीरीज टेस्ट लैंप 220 एंड 440 वोल्टेज, यानी कि हम 220 एंड 440 वोल्टेज के ऊपर सीरीज टेस्ट लैंप किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास सीरीज टेस्ट लैंप दो किस्म के मौजूद होते हैं। एक तो 220 वोल्टेज पर होता है, यानी कि जो हमारा सिंगल फेज पर वर्क करता है। ये हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, यानी कि अपने घर वगैरह के लिए यूज करते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे पास होता है 440 वोल्टेज, यानी कि 440 वोल्ट पे हमारे पास सीरीज टेस्ट लैंप होता है, जो कि हमारा डबल फेस के ऊपर होता है। ये हम इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लेवल के ऊपर यूज करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बता दूं कि सीरीज टेस्ट लैंप किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो दोस्तों ये 220 वाला सीरीज लैंप जो है वो हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, यानी कि आप मान लीजिए आपके घर पे ये एक सॉकेट मौजूद है जिसमें से ये तीन पिन मौजूद है, इसमें से एक न्यूट्रल और एक आपका फेस मौजूद है। दोस्तों फेस का तो आप पता लगा लेते हैं टेस्टर लगा के कि ये फेस आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन बाद अवकात हमें न्यूट्रल में परेशानी होती है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारा न्यूट्रल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसी सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से हम इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप 440 वोल्टेज के बारे में बात करें, यानी कि डबल फेस के बारे में बात करें, तो ये हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होता है। ये बड़े बड़े इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं कमर्शियल लेवल पर, तो हमें इस सीरीज टेस्ट लैंप की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इसकी जरूरत मोटर वगैरह में भी बहुत पड़ती है अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन है। दोस्तों अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करते हैं तो ये 440 वोल्टेज का सीरीज टेस्ट लैंप आपके बहुत काम आता है। दोस्तों इसे हम मोटर को चेक करने के लिए भी यूज करते हैं, बाद हमारा मोटर शॉर्ट वगैरह हो जाता है या उस पर करंट आ रहा होता है, तो इसी सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से उसे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ इन दोनों सीरीज टेस्ट लैंप को बनाने का तरीका क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये 200 वाट के लैंप ले लेना है। दोस्तों अभी मैं आपको पहले 220 वोल्टेज के बारे में बताऊंगा कि 220 वोल्ट पर सीरीज टेस्ट लैंप कैसे बनता है। दोस्तों 220 वोल्ट के लिए हमें सिर्फ एक लैंप की नीड होगी, यानी कि हमें ये सिर्फ 100 वाट की एक लैंप की नीड होगी। दोस्तों हमारे पास एक 100 वाट का लैंप मौजूद है, ये एक होल्डर में लगा हुआ है। दोस्तों आपको भी इसे इसी तरह एक होल्डर में लगा लेना है। दोस्तों आप देख रहे हैं इसका एक तार मैंने ये वाले पिन पर लगाया और एक तार ये पिन पर, जिसमें से एक हमें न्यूट्रल और एक फेस मिलता है। दोस्तों अब इसे बनाने का तरीका क्या है। दोस्तों मान लीजिए आपका लैंप है, जिसमें से एक न्यूट्रल और एक फेस है। तो जैसे ही आप इसके न्यूट्रल पर एक तार लगाएंगे, न्यूट्रल और फेस पर फेस लगाएंगे, तो ये लैंप आपका ग्लो हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको न्यूट्रल और फेस पर फेस नहीं लगाना है, आपने एक सीधी वायर ले लेनी है इस तरीके से, यानी कि मान लीजिए आपका बल्ब है और आपको एक सीधी वायर ले लेनी है। दोस्तों अब आपका एक ये वाला न्यूट्रल और जो आपने एक सीधी वायर ली थी, ये आपका फेस हो गया। दोस्तों अब जैसे ही आप इसको यहाँ से शॉर्ट करते हैं, तो आपका जो लैंप है ये ग्लो हो जाता है, यानी कि आपका ये 220 वोल्ट पर सीरीज टेस्ट लैंप तैयार हो जाता है। दोस्तों इसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप जब कोई चीज़ लगाएंगे तो वो शॉर्ट होगी तो ये लैंप ग्लो कर देगा, या किसी चीज़ की बॉडी वगैरह पर करंट आ रही होगी, तो उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपकी जो इक्विपमेंट है या कोई भी चीज़ है वो शॉर्ट है या नहीं है। दोस्तों ये बनाने का तरीका बहुत आसान है। दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर भी समझाने की कोशिश करूंगा। ये मान लीजिए आपका बल्ब है, इसमें से एक तार ये है और एक तार ये चले गया। दोस्तों अब आपको एक सीधी वायर ले लेनी है। दोस्तों ये सीधी वायर यहाँ पर मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। दोस्तों अब आपको इसमें से एक न्यूट्रल और एक फेस सप्लाई देना है, जिसमें से आपका ये दो पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाता है, जिससे आप किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं 440 सीरीज टेस्ट लैंप के बारे में कि इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास दो टेस्ट लैंप मौजूद है जो कि मुझे 440 वोल्टेज में नीड होगी, यानी कि जब मैं 440 वोल्ट में सीरीज टेस्ट लैंप को बनाऊंगा तो हमें दो लैंप की नीड होगी। दोस्तों यहाँ दो लैंप की नीड क्यों होगी वो भी मैं आपको अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो पहले मैं इस वीडियो की बात कर लूँ, इस टेस्ट लैंप के बारे में बात कर लूँ कि ये किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास दो लैंप मौजूद है, दोनों में आपको बिल्कुल इसी तरह एक पिन में ये वाली तार और एक पिन में ये वाली तार लगा देनी है। दोस्तों इसमें भी मैंने इसी तरह कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों अब आपको मैं डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे दो लैंप ड्रॉ कर दिया, जैसे कि मेरे पास ये दो लैंप मौजूद है। अब इसकी कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से कनेक्ट करना है। दोस्तों आपने इसका एक ये वाला तार इस बल्ब के ये वाले तार से मिला देना, यानी आपके जो होल्डर से दो तार निकलेगा उन दोनों में से एक एक तार को आपस में इस तरीके से जोड़ लेना है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से एक वायर आपको ये मिल जाता है और एक वायर ये मिल जाता है। दोस्तों आपको अभी ये दोनों पॉइंट को सपोज नहीं करना, आपको एक वायर सीधी यहाँ पे ले लेनी है, जैसे कि हमने सिंगल फेस पे लिया था। दोस्तों अब यहाँ पर आपको न्यूट्रल और फेस कनेक्ट नहीं करना है, दोस्तों आपको यहाँ पे दोनों फेस कनेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक आर फेस कनेक्ट करता हूँ और एक वाई फेस, यानी कि एक रेड फेस और एक येलो फेस, यानी तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर टेस्ट लैंप तैयार हो जाता है। आप यहाँ से जब इसको शॉर्ट करेंगे तो आपका दोनों बल्ब ग्लो हो जाएगा। दोस्तों अब आप यहाँ से किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों फेस ही कनेक्ट करना है। दोस्तों ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ पर एक रेड फेस कनेक्ट किया और यहाँ पर एक रेड, तो आपका ये बल्ब ग्लो ही नहीं होगा। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर गलती से न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, यानी कि न्यूट्रल वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो आपका जो दोनों बल्ब है वो बिल्कुल स्लो ग्लो होगा, यानी कि इसकी रोशनी जो है वो
हाफ होगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर दोनों फेस ही कनेक्ट करने हैं, यानी कि एक आर फेस और एक वाई फेस। तो अब जब आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आपका जो बल्ब है वो ठीक तरीके से ग्लो होगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे दो लैंप क्यों यूज किया है, यानी कि ये 440 वोल्टेज में मैंने इस दो लैंप को यूज क्यों किया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीरीज और पैरेलल सर्किट क्या होता है, इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर दो लैंप क्यों कनेक्ट किया है। दोस्तों फिर भी मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर दो लैंप क्यों कनेक्ट किया है। तो दोस्तों ये लैंप मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है, इसमें से एक लैंप मेरा 220 वोल्ट का है और 100 वाट का है। दोस्तों ये वाट कितना भी है इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पर वोल्टेज को देखना है। दोस्तों ये लैंप भी मेरा 220 वोल्ट का है। तो दोस्तों मैंने इसे सीरीज पर इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर वोल्टेज है वो 440 है। तो अगर मैं इस 440 वोल्टेज से एक लाइट को जलाऊंगा तो ये जो लाइट है ये डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए मैं जब दो लाइट को इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो ये जो वोल्टेज है, यानी 440 वोल्टेज है, ये 220 और 220 में डिवाइड हो जाता है, यानी कि 440 वोल्टेज दोनों आधा आधा ले लेता है। तो दोस्तों सीरीज सर्किट में ये होता है कि वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाती है और करंट सेम रहता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ पर दो लैंप को सीरीज में कनेक्ट किया है, चूंकि हमारे पास 440 वोल्टेज था तो इसलिए मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट किया ताकि ये दोनों बल्ब आधा आधा डिवाइड कर लें, यानी कि 440 को 220 में डिवाइड कर लें और हमारा जो ये लैंप है, ये सीरीज टेस्ट लैंप है, ये डैमेज ना हो। दोस्तों और सिंगल फेस में मैंने सिर्फ 220 को कनेक्ट किया था क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 220 वोल्टेज था, तो हमारा जो लैंप था वो भी 220 का ही था। तो दोस्तों ये वजह है कि मैंने यहाँ पे दो लैंप यूज़ किया है। तो दोस्तों ये आपका जो लैंप है ये बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है, यानी कि सीरीज टेस्ट लैंप रेडी है। आप यहाँ से किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं कि ये आपका जो चीज़ है वो ठीक है या नहीं है, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों अब मैं इसके प्रैक्टिकली तौर पर कनेक्शन के बारे में बात करता हूँ कि इसे आप प्रैक्टिकली तौर पर किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास दो लैंप मौजूद है, जैसे कि मैंने इस डायग्राम पर बनाया हुआ है। अब इस डायग्राम के मुताबिक इस लैंप का जो एक पॉइंट है मैं दूसरे वाले लैंप के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये मैंने जब इसे कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास जो है ये दो वायर बच गए। दोस्तों अब इस दो वायर को मैंने अलग अलग कर लेना है। तो दोस्तों मेरे पास ये दो वायर बचे हैं, अब मुझे क्या करना है, एक इस डायग्राम के मुताबिक एक सीधी वायर ले लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रेट वायर मौजूद है, अब मुझे क्या करना है, एक पर ये रेड फेस देना है और एक पर ये वाई फेस। तो ये जो मेरा ये दो पॉइंट है यहाँ पर मुझे यहाँ से करंट आउट मिल जाता है, यानी कि हमारा सीरीज टेस्ट लैंप तैयार हो जाता है। हम इसे जब शॉर्ट करते हैं हमारा जो दोनों बल्ब है वो ग्लो हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको इस सीरीज टेस्ट लैंप के मुताबिक कोई भी दिमाग में क्वेश्चन है या सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।